हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट, उनके क्या हैं, चलिए देखते हैं। रीडिंग जर्नल है, इसे जर्नल रीडिंग की तरह ही देखिए, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, या कुछ पार्ट होगा जो आपसे रेजोनेट होगा, तो इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा व्यूअर। जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अगर नहीं किया है तो। एंड व्यूअर्स, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, जिसकी एक फ़ीस होती है, ओके? क्योंकि लोग पूछते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो व्यूअर, चलिए देखते हैं कि राइट नाउ यहाँ पे आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है, आपको लेके और सिर्फ आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर जो इस रीडिंग को देखने आए हैं, इनके पर्सन की राइट नाउ इनको लेके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज़ वो हमें बताएँ। उनके मन में क्या चल रहा है, एंजल्स प्लीज हमें गाइड करें। ओके, सो वी हैव करेज, एग्जॉक्शन, नथिंगनेस एंड द रिबल बॉटम से माइंड साइलेंस। नाइन नंबर, फाइव नंबर, फोर नंबर, सेवन नंबर, एट नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, हाँ, एंड दी एटीन नंबर। ओके, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट राशि निकल के आई है, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि। देखते हैं क्या है आपके पर्सन के मन में, आपको लेके क्या वो महसूस कर रहे हैं। अब फाइव नंबर की एनर्जी है यहाँ पे हमारे पास, एट नंबर की एनर्जी है, थ्री नंबर एंड दी अगेन एट नंबर। बॉटम से सेवन नंबर आता है और यहाँ से थ्री नंबर की एनर्जी आती है। ओके, सिंह राशि आपके लिए इम्पोर्टेंट राशि हो सकती है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मैंने आपके लिए बोला था इम्पोर्टेंट राशि है, यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी इम्पोर्टेंट है। ओके, ओके व्यूअर्स, तो आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारी मतलब ऑब्स्टिकल कहो, चुनौतियाँ, परेशानियाँ, हर्डल्स, रुकावटें, ये सब चीज़ें मैं आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स कहीं ना कहीं फील करता हूँ, देख रही हूँ। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके फील होता है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपका साथ चाहते हैं। इसकी वजह व्यूअर्स मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं आपसे मतलब ऐसे ही आपका दिल रखने के लिए बोल रही हूँ। ये कार्ड व्यूअर्स दिख रहे हैं आप, कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है। दे नीड सपोर्ट, आपके व्यूअर्स इस पर्सन को सपोर्ट की ज़रूरत है, ये आपका हाथ थामना चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इस पर्सन को सपोर्ट करें। अगर ये आपकी तरफ अप्रोच करते हैं तो आप इसकी तरफ हाथ बढ़ाएं अपना, ठीक है? कुछ ऐसा नज़र आ रहा है ये पर्सन व्यूअर्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि हो सकता है आप लोग इस पर्सन को अपनी सपोर्ट देने के लिए तैयार भी हो, या इस पर्सन का अभी भी हाथ थामने को इस पर्सन का तैयार हो, लेकिन ये जो पर्सन है व्यूअर्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपकी तरफ कहीं ना कहीं मतलब उतनी जैसे कि कहते हैं ना, उस उम्मीद के साथ में या उन चीज़ों के साथ में, उस कमिटमेंट के साथ में, या जो इनके लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं उनको पार नहीं कर पा रहे हैं, राइट? क्योंकि मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपकी तरफ आना इनके लिए कहीं ना कहीं एक मुश्किलों भरा, एक चैलेंजिंग टास्क है जिसको वो ओवरकम नहीं कर पा रहे। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं खुद में फीलिंग्स में भी काफ़ी डिस्टेंस आ गई हो। मे बी आप दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से इस समय बात भी ना कर पा रहे हों, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज ना कर पा रहे हों, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हों, वो पर्सन अपना ट्रस्ट आपके ऊपर जाहिर नहीं कर पा रहे हों, कुछ ऐसा भी यहाँ पर मुझे फील होता है। कहीं ना कहीं ग्रोथ में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि व्यूअर्स कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने को लेकर एक तरह से देखा जा सकता है कि
कि एक हिम्मत और एक प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। प्लानिंग किस बात की कि कैसे वो आपसे जुड़ेंगे, कैसे वो आपसे बात करेंगे, कैसे वो आपके सामने आएंगे, ठीक है, कैसे वो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं पूरा करेंगे जो आपकी उम्मीदों पर खरे उतर सके वो, ठीक है। तो उम्मीदें हैं व्यूअर्स इस पर्सन से कहीं ना कहीं आपकी, और मैं वो देख पा रही हूँ कि वो ये पर्सन अपनी लाइफ में वो उन उम्मीदों को पूरा कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनके मन में डाउट बहुत सारे आते हैं, ठीक है। इनके मन में डाउट बहुत सारे आते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। समवेयर व्यूअर्स आपके पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। उनको समवेयर ऐसा भी लगता है क्योंकि आप दोनों के बीच में देख रही हूँ एक तरह का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब जब डिस्टेंस आ जाता है कहीं ना कहीं, मे भी हो सकता है यहाँ पर किसी कोई कुछ लोग ऐसे भी हों व्यूअर्स जहाँ पर आपके पर्सन ने आपसे महीनों से या फिर कहीं ना कहीं साल भी हो सकते हैं कि भाई सालों से इस पर्सन ने बात नहीं की है। इस पर्सन के मन में है कि वो आपसे बात करे, लेकिन उस पर्सन की कहीं ना कहीं व्यूअर्स एक हिम्मत टूट रही है। उनको ऐसा लगता है कि शायद अब इस रिलेशनशिप में जब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या वो आपके सामने जाके उनको कॉल करना सही रहेगा या फिर आपसे बात करना सही रहेगा, आपके साथ में दोबारा से क्या वो रिलेशनशिप को रीस्टैब्लिश या रीस्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरफेस एकदम से मतलब कि अब कुछ बचा ही नहीं है। बहुत जैसे कहते ना, परत पे परत जमती चली जाती है और जो उम्मीदें होती हैं वो दबती चली जाती हैं, है ना, कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। लेकिन मैं हाँ ये ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स, क्या जिस पर्सन के मन में एक आपसे बात करने का हो सकता है या फिर आपसे मिलने का या इस रिलेशनशिप को लेके जो पॉजिटिव वाइब्स जो उस पर्सन के मन में जो कहीं ना कहीं दब गई थी या ख़त्म हो गई थी, या फिर आपके मन में हो सकता होगा कि ये फीलिंग्स आपके मन में भी आ रही हों कि ये जो पर्सन है वो अब शायद मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, शायद वो कभी चेंज नहीं होंगे, शायद वो कभी मेरी तरफ नहीं आएंगे, शायद वो कभी मेरे प्यार को नहीं समझेंगे, शायद उनको उनको मेरी ज़रूरत ही नहीं है। तो व्यूअर्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में एक उम्मीद अभी बाकी नज़र आती है। ये उम्मीद ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में चाहे कितने ही चैलेंजेस क्यों ना हों, ये पर्सन व्यूअर्स आज इस पर्सन के दिल में ये ज़रूर है कि वो आपके साथ में आगे बढ़ेंगे, वो आपके साथ में कहीं ना कहीं फिर से एक रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक उम्मीद देख रहे हो ना यहाँ पे, एक उम्मीद है, एक जैसे कहते हैं ना टूटता हुआ सितारा होता है, तो उसे उम्मीद लगाई जाती है कि यार मतलब ये हमारी वो दुआ कबूल कर देगा, है ना, ऐसा हो जाता है ना। या फिर व्यूअर्स मैं आपके लिए ये बोलूं कि आपकी जो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें रुक गई थी वो यहाँ पे मुझे स्पीडली रन अप होती हुई नज़र आती हैं। तो ये व्यूअर्स मैं आपके लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ उस पर्सन की तरफ से कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में चाहे इस समय कितनी ही खटास क्यों ना पड़ गई हो, चाहे आपको लग रहा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों के फिर से कोलैबोरेशन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है व्यूअर्स, पास्ट में हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इंटीमेसी रही हो, आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब रहे हो, और ये व्यूअर्स मुझे यहाँ पर ये बातें भी नज़र आती है कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ है नॉट जस्ट बिकॉज इन दिस रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो, आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है कि उस वजह से आज अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फेस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब डिस्टर्बेंस दो तरह की यहाँ पे मुझे फील हो रही है, पहला कि एक तो वो उनके ऊपर आपका जो कहीं ना कहीं रिश्ता है वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि वो उन पास्ट की यादों को आज भी आपके लिए फ़ील करते हैं, यानी आपके लिए उनके दिल में कहीं ना कहीं वही एक प्यार मुझे यहाँ पे नज़र आता है, वही चाहत नज़र आती है जो उस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं है। लेकिन इसके साथ में जुड़ी हुई एक नेगेटिव थिंग भी मुझे नज़र आती है जो ये दिखाती है कि आपके रिलेशनशिप में ही होते हुए भी इस पर्सन ने हो सकता है कुछ अनदर कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हों जिसकी वजह से इनको अब डर सा भी लगता है आपके सामने आते हुए, ठीक है, कि क्या आप उन चीज़ों को भुला पाए होंगे, क्या आप आपके मन से वो सब चीज़ें निकल गई होंगी, ठीक है। तो दिमाग में देख रहे हो ना कितना कुछ चल रहा है, जैसे कि केमिकल सा ब्लास्ट हो जाता है ना, वैसा हो जाता है। तो इस पर्सन की व्यूअर्स लाइफ में अगर मैं देखूं, ये आपकी तरफ क्यों उम्मीद लगा रहे हैं, क्यों आपकी तरफ आ रहे हैं, अगर इन्होंने आपके ऊपर किसी और को इम्पोर्टेंस दी है, अगर इन्होंने आपके ऊपर किसी और को प्रेफरेंस दी है, अगर इन्होंने आपके प्यार के ऊपर किसी और को रखा है, ठीक है, आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझे व्यूअर्स, तो देख लो उनकी लाइफ में क्या हुआ है। ये आपके सामने हैं सारे कार्ड्स, ये सारे कार्ड्स ये दिखाते हैं कि आपसे हटते ही इस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ गई हैं, और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए व्यूअर्स बच नहीं रहे हैं, बच तो पाएंगे ही नहीं, क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी एक तरह से देख रही हूँ कि ये अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हैं, ये अपने ऊपर किसी का जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे इनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ गया है,
ठीक है, ये ऐसा महसूस करें ये पर्सन आपके, ठीक है। तो मैं व्यूवर्स ये कह रही हूँ कि आपको जो बताने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं ना कहीं इनको एक शांति की तलाश है, इनको कहीं ना कहीं एक सुकून की तलाश है, इनको अपनी लाइफ एक पीसफुली एक बहुत ही नॉर्मल वे में जीनी है, और आप ही के साथ में ये चीज़ें मुझे यहाँ पर संभव नज़र आती है इस पर्सन की। और इसीलिए व्यूवर्स आपके पर्सन चाहते हैं कि थाम लो मेरा हाथ, मुझे निकाल लो इस जंजाल से, मुझे निकाल लो इस कुएँ से, मैं फंस गई हूँ या फंस गया हूँ। तो समवेयर ये आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पे एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि यार देखो मेरी मेरी हालत क्या हो गई है, मुझे तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है। कहते हैं ना, जब ईश्वर, आपने देखा होगा इस तरह का जो पिक्चर से मुझे एक बात याद आती है, एक गाना आप आजकल यूट्यूब पर बड़ा ट्रेंड हो रहा था, पकड़ लो हाथ बनवारी, है ना, सुना होगा, नहीं तो टूट जाएंगे। तो वही है आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज है कि पकड़ लो मेरा हाथ, नहीं तो मैं टूट जाऊँगा या बिखर जाऊँगी, तुम्हारे बिना मेरा कोई सहारा नहीं इनको नज़र आता है। तो ये व्यूवर्स आपके लिए यही मैसेज है इस पर्सन का कि आप इनको सपोर्ट दे दो, अदरवाइज़ इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये अपनी लाइफ का व्यूवर्स एक बार दोबारा से आपके साथ में रीस्टार्ट करना चाहते, चुनौतियों का सामना करते हुए भी ये पर्सन व्यूवर्स ये कह रहे हैं कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं इन चुनौतियों से भी बाहर निकल जाऊँगी या निकल जाऊँगा, ठीक है। इनको भी हम इन हर्डल्स को भी फेस कर लेंगे और फिर एक दूसरे के हो जाएंगे। होप है इनको कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपसे, होप है इनको कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपसे, कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो इनको उम्मीद बहुत है व्यूवर्स आपसे, इनकी कहते हैं ना एक ज़रूरत भी हो, इनकी हिम्मत भी हो, इनकी ताकत भी हो, इनके लिए आप एक एक ऐसा डेस्टिनेशन हो जो इनको हर वो चीज़ दे सकता है जो इनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो एक तरह से ये सपोर्ट ढूंढ रहे हैं व्यूवर्स आपकी, और इनको अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि अगर आप नहीं हो तो इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, अगर आप नहीं हो तो इनकी लाइफ आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, इनके जीवन की ग्रोथ रुक जाएगी, इनको ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। और देखते हैं इनके मन में आपको लेके क्या है। ओ माय गॉड, वी हैव अ लवर्स। अब बताओ क्या बोला जाए। टेन ऑफ कप्स, एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल। इस जीवन के सफर में व्यूवर्स, इस जीवन के सफ़र में इस पर्सन को आपका साथ चाहिए। आपका साथ नहीं मिला व्यूवर्स तो ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनके जीवन में व्यूवर्स आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनको देखो क्या दे सकता है। इनको व्यूवर्स सबसे पहले देखो यहाँ पर आपके लिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई इस समय व्यूवर्स में। अगर आपके लिए, अगर मैं बोलूँ ये गलत नहीं होगा, वो आपको लेके काफ़ी रोमांटिक नज़र आ रहे हैं मुझे, काफ़ी पॉजिटिव और पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। मतलब आपको किसी भी कीमत पर ये पर्सन खोना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके लिए, मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनको एंकरेज करता है, जो इनको मोटिवेट करता है, जो इनको गाइड करता है, जो इनका साथ निभाता है, ठीक है। तो ये व्यूवर्स वही सब चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, सक्सेस ग्रोथ चाहते हैं ये पर्सन, मे बी सम काइंड ऑफ मैरिज भी ये पर्सन व्यूवर्स आपसे चाहते हैं। मुझे तो ऐसा भी फील हो रहा है कि आपसे चाहते हैं कि अब आपसे इनकी मैरिज हो जाए, ये आपसे जुड़ जाए, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो तो आपके साथ में ही रहना है इनको, इनको आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जैसे लग रहा है जैसे पीछे पड़ने वाले हैं पर्सन आपके, मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है। देख रहे हो ना, सारी एनर्जी काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी एक दूसरे को क्लोज करने वाली एनर्जी, एक दूसरे को फील करने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और मैंने जैसे पहले ही बोला था, मैं कार्ड आपको लेके, सिर्फ आपको लेके निकालूंगी, तो यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन का जिक्र नहीं होगा। और व्यूवर्स इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो पर्सन है सिर्फ आपके दीवाने हैं, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, लेकिन उनके दिल में सिर्फ आज आपके लिए मुझे यहाँ पे प्यार नज़र आता है। और जैसे मैंने बोला था पास्ट में आप दोनों के बीच में काफ़ी इंटीमेसी रही होगी, तो वही इंटीमेसी पर्सन कहीं ना कहीं आपसे फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप के साथ में फिर से उसी ही अंदाज से जुड़े जिस अंदाज से आप पहले जुड़ते थे, ठीक है। तो वही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये पर्सन व्यूवर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि इस रिलेशनशिप को काफ़ी लेके, मतलब मे भी हो सकता है कि ये जैसे मैंने बोला मैरिज को लेके हो सकता है, तो हो सकता है कि ये अपने परिवार के सामने इस रिलेशनशिप को लेके डिस्क्लोज करें, वो भी मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। क्योंकि ये समझ चुके हैं कि भाई इनकी गाड़ी आपके बिना नहीं चलेगी, इस सफ़र में इनको आपका ही साथ चाहिए, आपका प्यार होना, आपका होना ही इनके लिए कहीं ना कहीं समाधान है, ठीक है। तो पकड़ लेना इनका हाथ व्यूवर्स, ये यही कह रहे हैं, ठीक है। हाथ थामने की बात हो रही है, हाथ छोड़ने की बात नहीं हो रही। देखो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। तो व्यूवर्स मैं ये पूरी तरह से कह सकती हूँ इस पर्सन के मन में आज आपको लेके बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है, और ये सिर्फ आपका होना चाहते हैं और आपको अपना बनाना चाहते हैं। और मैं व्यूवर्स यहाँ पे ये भी कह दूँ कि अगर आपकी आज की रीडिंग के बेस पर अगर मैं बोलूँ, तो हो सकता है बहुत जल्दी आपके पर्सन आपसे किसी तरह का कोई कॉन्टेक्ट करेंगे, बहुत ही अच्छी और रोमांटिक बातें भी कर सकते हैं आपको लेके, ठीक है। मे बी अपनी
फीलिंग्स को ये शेयर करने में थोड़ा बहुत हिचकिचाहट सी महसूस करेंगे शुरुआती टाइम के अंदर, क्योंकि इनको एक तरह से ये भी फील हुआ है पता नहीं आपके मन में ये सब चीज़ें होंगी या नहीं होंगी समवेयर, क्योंकि मैंने देखा था प्रीवियस एनर्जी हमारे पास जो अभी इससे पहले हमने निकाली थी वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेती हुई नज़र आती है। तो एक तरह की हिचकिचाहट भी है पर एक तरह का कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन भी है यहाँ पर आपको पाने को लेके, वो मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना, जैसे यहाँ पर भी वही है बोला था मैंने अभी आपसे। तो चलिए व्यूअर्स देखते हैं कुछ चैनल मैसेज आपके लिए क्या निकल के आते हैं। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे आपके पर्सन की चैनल मैसेज क्या है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस, इनके चैनल मैसेज प्लीज़ हमें बताएं, इनके मन की बात इनके पर्सन तक पहुँचाएँ, डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें। Why are you running away from me? तो फर्स्ट ही मैसेज हमारे पास बहुत ही स्ट्रांगली आया है कि आप इनसे दूरियां बना रहे हैं, आप इनसे दूर जा रहे हैं, और जैसे मैंने बोला ये आपके पीछे पड़ रहे हैं, तो पीछे जब ही इंसान पड़ेगा ना, जब वो उससे दूर दूर भागेगा, तो ऑब्वियसली ये मैसेज कहीं ना कहीं आपके लिए परफेक्टली मैच होता है व्यूअर्स आपके लिए। ओके, आई विश आई कैन चेंज द पास्ट, तो मैंने बोला था पास्ट में अटके हुए हैं, पास्ट की कोई बात है व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप में जो उनसे गलतियाँ हुई हैं। देखो आपके बीच में प्यार था पर आपके प्यार के ऊपर किसी और को इन्होंने रखा, ठीक है, कुछ गलतियाँ हो गई। अब इस पर्सन को व्यूअर्स वही शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जब इसको डर सा क्यों लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके लेवल पर हो सकता है कुछ ना बचा हो, या फिर आप कुछ करो ही ना, इनकी तरफ हाथ बढ़ाओ ही ना, क्योंकि इनको लग रहा है कि यार पास्ट को भुलाया नहीं जा सकता। पास्ट एक ऐसी प्रॉब्लम बन गई है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आ पा रहा, जिसको इरेज नहीं कह सकता। अब जैसे ये लिखा हुआ है, इसको इरेजर से इरेज कर दो तो बहुत अच्छी बात है, अगर पास्ट ऐसा होता तो हर कोई इरेज कर देता, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा ज़रूर कर सकते शकाश कि पास्ट अगर बदल देते तो वो ज़रूर बदल देते इस रिलेशनशिप के अंदर, सो दैट आप इनके लिए हमेशा एक ही रहते। ठीक है, आई लव यू, क्या बात है इंटीमेसी है व्यूअर्स यहाँ पे, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। आई नो आई हैव रॉन्गड यू, ये जानते हैं इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, तो इसके लिए कि व्यूअर्स ये शर्मिंदगी भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यूअर्स ये चाहते हैं कि आपका साथ इस पर्सन को मिले। वाई यू डोंट अंडरस्टैंड मी, आप इनको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपको समझाने की हो सकता है कोशिश भी कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे होंगे जो आपके पर्सन व्यूवर्स आपको अपनी बात समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगी व्यूवर्स कि आपसे बात ज़रूर करेंगे, दोबारा से फिर से आपकी इनसे बात होगी, और उसी के बेसिस पे व्यूवर्स ही आपके पर्सन आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि आप इनके रिलेशनशिप में आ जाओ, ठीक है, आप इनके साथ में जुड़ जाओ, ये कोशिश यही करेंगे, ठीक है। हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि आपकी नाराज़गी यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी इनके लिए, इनको ये मोटर मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए, वही पास्ट कहीं ना कहीं फिर से सामने निकल के आएगा तो ये दिक्कत कर सकता है, तो आपको देख के सोच के समझ के एक्शन लेना है व्यूअर्स यहाँ पे, क्योंकि ये जो पर्सन, देखो आपका रिश्ता है, आप इसको किस तरह से लेके जाना चाहते हो आप ये बेहतर जानते हो। हर एक के लिए एक गाइडलाइन परफेक्ट नहीं होती है, इसीलिए मैं कोई गाइडलाइन नहीं देती हूँ व्यूअर्स, ठीक है। कोई अपनी लाइफ में इतना दर्द पेन कर चुका होता है कि वो दोबारा से वो दर्द पेन नहीं सहना चाहता, और कोई अपनी लाइफ में सेकंड चांस देना चाहता है, ठीक है, तो दोनों की सिचुएशन अलग होगी ना, तो मैं कैसे कोई बता दूं आपको कि आप इसको एक्सेप्ट कर लो या इसको एक्सेप्ट मत करो, आपकी सिचुएशन आप बेहतर जानते हो, डिसीजन आपका, रिश्ता आपका, ठीक है। तो व्यूअर्स ये है रीडिंग आपके लिए, अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए, एंड व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके, सो व्यूअर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, ओके, टेक केयर।